अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बीसीजी मैट्रिक्स। बीसीजी मैट्रिक्स जो है वो मिस्टर ब्रूस जो कि बॉस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप के थे उन्होंने प्रपोज़ किया। और ये जो मैट्रिक्स है ये एक कंपनी के लिए टूल है जिससे कंपनी जो है अपने जो यूनिट्स हैं और जो प्रोडक्ट लाइन है उनकी करंट स्टेज के बारे में जान सकती है कि वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं एट अ करंट टाइम और वो किस कैटेगरी में लाई कर रहे हैं। तो इसके लिए जो मिस्टर ब्रूस थे उन्होंने मार्केट ग्रोथ और मार्केट शेयर के दरमियान में ग्राफ लिया जिससे फोर क्वाड्रेंट्स जो हैं वो अराइज़ होते हैं। नंबर वन इज़ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के अंदर मार्केट ग्रोथ हाई है और मार्केट शेयर लो है। ऐसे प्रोडक्ट्स जो क्वेश्चन मार्क के अंदर लाई कर रहे हैं कंपनी जो है वो इन्वेस्टमेंट करती है ऐसे प्रोडक्ट्स के ऊपर ताकि जो प्रोडक्ट्स हैं उनका मार्केट शेयर को बढ़ाया जा सके और जो मार्केट लीडर है उस टाइम उससे कम्पीट किया जा सके। तो जो प्रोडक्ट्स हैं वो स्टार की कैटेगरी में आ जाते हैं। और अगर कंपनी जो है उसे एज इट इज़ रखती है और उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करती तो प्रोडक्ट्स जो हैं वो डॉग्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो डॉग्स की कैटेगरी में मार्केट ग्रोथ भी लो होता है और मार्केट शेयर भी लो होता है। ऐसे प्रोडक्ट्स जो डॉग की कैटेगरी में लाए करते हैं या ऐसे यूनिट्स जो हैं वो डॉग की कैटेगरी में लाए करते हैं कंपनी जो है उसको बंद कर देती है या फिर डाइवेस्टर की तरफ जाती है क्योंकि ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं वो कैश का आउटफ्लो नहीं देते, मतलब उससे कैश जनरेट नहीं होता, सिर्फ आप उस पर इन्वेस्टमेंट करते जाते हैं, इनफ्लो करते हैं लेकिन उससे आउटफ्लो नहीं होता। तो ऐसे जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, ऐसे जो यूनिट्स होते हैं या ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं वो बंद कर दिए जाते हैं। थर्ड पे आता है स्टार्स। स्टार्स के अंदर मार्केट ग्रोथ भी हाई है और मार्केट शेयर भी हाई है। ऐसे प्रोडक्ट्स जो स्टार्स में लाए करते हैं वो बेस्ट परफॉर्मर होते हैं और वो बहुत अच्छा अमाउंट का जो कैश है वो जनरेट करते हैं, प्रॉफिट जनरेट करते हैं। तो कंपनी जो है वो इन्वेस्टमेंट उसकी हाई रखती है ताकि ऐसे जो प्रोडक्ट्स हैं वो सस्टेन कर सकें स्टार की कैटेगरी में। नेक्स्ट है कैश काउस। कैश काउस के अंदर मार्केट ग्रोथ जो है वो लो है और मार्केट शेयर जो है वो हाई है। ऐसे प्रोडक्ट्स जो हैं उनके भी अगर इन्वेस्टमेंट की जाए तो जो है वो स्टार्स में चले जाते हैं। और ऐसे जो प्रोडक्ट्स कैश काउज में भी होते हैं वो भी अच्छा जो है वो कैश जनरेट करते हैं। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं कि इसको हमने इम्प्लीमेंट कैसे करना है, अप्लाई कैसे करना है। अब ये जो मैट्रिक्स है ये हमेशा कंपनी की प्रोडक्ट लाइन के ऊपर अप्लाई करना है, इसको किसी कंपनी के ऊपर अप्लाई नहीं करना। फॉर एग्जांपल इसको ऐसे नहीं कर सकते कि फलां कंपनी जो है वो क्वेश्चन मार्क में लाई कर रही है, फलां कंपनी जो है वो स्टार्स में लाई कर रही है की कैटेगरी में लाई कर रही है। इसको जो है हमेशा प्रोडक्ट लाइन के ऊपर जो है वो अप्लाई करते हैं। आप इसमें कोई एग्जांपल लेते हैं, कोई ऐसी कंपनी जिसकी प्रोडक्ट लाइन्स हों, चले इसमें लेते हैं हम कोका कोला ले लेते हैं। तो कोका कोला के जो प्रोडक्ट लाइन है कौन कौन से प्रोडक्ट्स जो हैं उसके वो किस किस कैटेगरी में लाए कर रहे हैं, सबसे पहले क्वेश्चन मार्क के अंदर क्या लाए कर रहा है। क्वेश्चन मार्क के अंदर मार्केट ग्रोथ हाई है, मार्केट शेयर लो है। इसके अंदर हम देख सकते हैं कि उसमें फैंटा लाई कर सकती है कि उसमें मार्केट ग्रोथ हाई है लेकिन मार्केट शेयर जो है वो लो है, इतना लोग जो है उसको फैंटा जो है वो कंज्यूम नहीं करते एज़ कम्पेयर टू अदर बेवरेजेस। नेक्स्ट है डॉग्स। डॉग्स के अंदर कौन सा प्रोडक्ट लाई करें जिसमें मार्केट ग्रोथ भी कम है और मार्केट शेयर भी कम है। इसमें हम डाइट कोक ले सकते हैं और स्टार की कैटेगरी में हम कैनले ले सकते हैं। कैनले जो उनका मिनरल वाटर होता है जो कि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं जिसे यूज़ करते हैं, कंज्यूम करते हैं, जिसमें मार्केट ग्रोथ भी हाई है और मार्केट शेयर भी हाई है। कैश काउस के अंदर कोका कोला इट्सेल्फ जो बेवरेज है वो ले सकते हैं जो कि जिसमें जो मार्केट ग्रोथ है वो लो है लेकिन मार्केट शेयर जो है वो हाई है।